हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बिंदा जी एस फोरम। स्वागत है आप लोग अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जी एस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, आज से मैं आप लोगों को जीएस के अलावा जितने भी क्विक रिवीजन है जीएस के, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें, जो कि आपको टू द पॉइंट हुआ सारे प्रीलिम्स, स्टेट, पीसीएस और जो भी वन डे एग्जाम है उसके लिए। तो ये आपको बीपीएससी अपकमिंग 67 बीपीएससी प्रीलिम्स, सीडीपीओ प्रीलिम्स, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, राजस्थान में जो वेरियस एग्जाम्स होने वाले हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसी क्रम में मैं सबसे पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट को हल्का सा डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा क्या है, जो कि इंडिया को नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड करती है, लगभग बीचों बीच डिवाइड करती है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी इसके क्लोजेस्ट सिटीज़ हैं उसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो कर्क रेखा से निकटतम स्थित शहर कौन कौन से हैं, उसके ये जो अक्षांश स्थिति है, ठीक है, लैटिट्यूडनल जो पोजीशन है, ठीक है, आप उसके आधार पे देख सकते हैं। और जो सबसे पहला राज्य है वह मध्य प्रदेश है, झारखंड है, गुजरात है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ भी, ठीक है, राजस्थान, ठीक है। लेकिन ये तो सबको पता है, लेकिन एग्ज़ाम पूछता है कि कौन से क्लोज है, सबसे ज़्यादा क्लोज कौन सा है। तो मध्य प्रदेश में आपका भोपाल है, जबलपुर है, उज्जैन है, रांची है, झारखंड में गांधीनगर, गुजरात में आइजोल है, मिजोरम में अगरतला है, त्रिपुरा का कोलकाता है, पश्चिम बंगाल का रायपुर है, छत्तीसगढ़ का और जोधपुर है, राजस्थान का है। तो ये इतने जो सिटीज़ हैं ये सबसे क्लोजेस्ट हैं कर्क रेखा के, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड टाइम, जो ग्रीनविच मानक जो समय कहते हैं, तो उससे होके कितने आपके शहर गुजरते हैं और क्लोजेस्ट हैं उसको देखते हैं ये। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका मानक समय के निकट प्रमुख शहरों की स्थिति। तो सबसे पहला आपका रीवा है एमपी का, सागर है एमपी का, उज्जैन है एमपी का, होशंगाबाद भी एमपी का है, हैदराबाद है आपका तेलंगाना का, भोपाल है मध्य प्रदेश का, लखनऊ है यूपी का, बेंगलुरु कर्नाटका का, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टैंडर्ड टाइम को आपको पता है, जैसे ग्रीनविच और जो समय का निर्धारण होता है प्लस 5:30, ठीक है, आवर्स जो लीड करता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु, मतलब जो चारों जो फोर पॉइंट है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उसकी जो लास्ट पोजीशन क्या है, जो लास्ट जैसे अंतिम पॉइंट कौन सा है, ठीक है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दक्षिणतम बिंदु। तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा, आपका इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पे, ग्रेट निकोबार आपके द्वीप समूह में है, ठीक है। उत्तरोत्तम बिंदु मतलब कि नॉर्थन मोस्ट पॉइंट कौन सा, आपका इंदिरा कॉल लद्दाख में है, ऊपर वाले पोर्शन में। पश्चिमोत्तम वेस्टर्न, जो सबसे वेस्टर्न पॉइंट कौन सा आपका, गुहार मोती, ये कहाँ पे आपका गुजरात, कमेंट बॉक्स में बताया कि गुहार मोती किस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। पूर्वोत्तम बिंदु ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट आपका कौन सा, किबूतू अरुणाचल प्रदेश, ये भी इसको भी आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएं कि आपका किबूतू किस सिटी में है, ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में है। मुख्य भूमि से जो सटा जो दक्षिण सीमा है वो कौन सा आपका, कन्याकुमारी का है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पड़ोसी देशों के मध्य सीमा विस्तार, ठीक है। तो पड़ोसी देशों के बीच जो सीमा विस्तार है उसमें जो सबसे पहला नंबर आता है भारत बांग्लादेश सीमा की, जो सबसे लंबा है बॉर्डर 4,996.7 किलोमीटर। भारत चीन का है 3488 किलोमीटर सेकेंड नंबर पर। भारत पाक सीमा है 3323 नंबर थर्ड नंबर पर। भारत नेपाल सीमा 1751 है आपका फोर्थ नंबर पे। भारत म्यांमार सीमा 1643 किलोमीटर, ये आपका फिफ्थ नंबर, ये आपका सिक्स नंबर पे है। भारत भूटान सीमा आपका ये सेवन्थ नंबर पे है, 699 किलोमीटर। भारत अफगानिस्तान के बीच सबसे छोटा बाउंड्री लगता है एक तरीके से कही तो ना के बराबर, क्योंकि ये अधिकृत पाक अधिकृत कश्मीर POK में है ये, ठीक है। तो ये क्योंकि ग्लोबल मैप पे देखा जाए तो इंडिया इसे अपना मानता है, लेकिन पाकिस्तान जो उधर है तो POK में, ठीक है। तो जिस दिन POK इंडिया में आ जाएगा, तो लेकिन भारत अफगानिस्तान सीमा की जो टोटल बाउंड्री है वो 106 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कुछ जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं और उस पर आपके स्थित जितने भी आपके राज्य के जो सिटीज़ हैं, ठीक है, जो आपको कहीं जल्दी मिलेगा नहीं, उसको मैं आपको वैसे की पॉइंट दिखाऊंगा जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और भी बहुत सारे जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं इंडिया से रिलेटेड, उसको बताऊंगा मैं, ठीक है। और जितने भी जैसे वाटर फ्रंटियर्स, जैसे जल डमरू मध्य, जितनी भी वाटर बॉडीज से रिलेटेड है, उसको मैं आपको जो की वर्ड है, की पॉइंट है, उसको मैं आपको क्योंकि रिव्यूइंग करूँगा, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट हो। और ये सब पॉइंट एग्जाम में 100% आते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जीएस फोरम। कीप कंटिन्यू UPPCS प्रीलिम्स एंड अपकमिंग 67th री एग्जाम प्रीलिम्स BPSC एंड CDPO प्रीलिम्स एंड बिहार SSC CGL3 प्रीलिम्स एंड ऑल्सो फॉर राजस्थान, ठीक है। थैंक्स।